मेरा नाम परवीन कोटवाला है। मैं यहाँ पर अपने डैडी के बारे में बताने आई हूँ, जिनको ब्लैडर कैंसर हुआ था। 2011 में डैडी को यूरिन में हल्का सा ब्लड जा रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ इतना केयर नहीं किया। 2013 में उनको वापस से ब्लीडिंग चालू हुआ, लेकिन ब्लड क्लॉट जाने लगे और हैवी ब्लीडिंग हो रहा था। तभी हमने हॉस्पिटल में, एक अच्छी हॉस्पिटल में उनको लेके गए। वहाँ पर डॉक्टर ने हमें टेस्ट वगैरह सजेस्ट किए और उनमें पता चला कि उनको ब्लैडर का कैंसर है, किडनी इशू है और प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ है। तभी डैडी को सजेस्ट किया कि केमोथेरेपी देना पड़ेगा। केमो से उनका ब्लीडिंग तो बंद हो गया, लेकिन उनको काफ़ी साइड इफेक्ट्स हो गए, जैसा कि स्किन इरिटेशन, गिडिनेस, वॉमिटिंग, वेट लॉस और काफ़ी इश्यूज हो रहे थे। उसके बाद डैडी जैसा हॉस्पिटल के नाम से ही डरना चालू हो गए, वो हॉस्पिटल जाने को तैयार ही नहीं होते थे। 2014 में भी सब ठीक चल रहा था, थोड़ा सी इश्यूज था, लेकिन उन्होंने कुछ इतना तभी भी ये नहीं किया। 2015 में उनको वापस से ब्लीडिंग चालू हुआ और हम वापस से सेम डॉक्टर के पास गए। तभी उन्होंने सजेस्ट किया हमें कि वापस से आपको केमोथेरेपी देना पड़ेगा, लेकिन सिंस हमारे डैडी को हॉस्पिटल के नाम से ही डर रहता था, हमने सजेस्ट किया कि होम्योपैथिक के पास जाके देखते हैं। तभी हम डॉक्टर अनवर को कॉन्टैक्ट किए उस बारे में, और डॉक्टर साहब ने बोले ये रीअकरेंस ऑफ ब्लैडर कैंसर है। उन्होंने 1 मंथ का मेडिसिन दिया, उनके बाद मेडिसिन से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ गया, जैसे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, वो खाने भी चालू किए, उनका रिपोर्ट्स वगैरह, फिर वापस से उन्होंने जब रिपोर्ट्स निकाले तो रिपोर्ट्स काफ़ी बेटर आए, जैसे प्रोस्टेट इलाज था वो कम हो गया, कैंसर का इशू भी कम हो गया और काफ़ी बेटर हो गया, उनका हेल्थ भी इम्प्रूव हो गया।